आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शाही आलू कोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस रेसिपी को आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं या घर में गेस्ट आने वाले हो तब आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम छोटे आलू लिए हैं। अगर आपके पास छोटे वाले आलू नहीं है तो आप बड़े आलू को भी इन साइज के पीसेस में कट कर सकते हैं। इस तरह से जो बड़े आलू हैं मैं इनके दो टुकड़े कर दूंगी और यहाँ पे आलू को एक साइज के टुकड़ों में कट करने के बाद जो भी गोल आलू है इस तरह से इनमें चीरा लगा देना है। आलू को कट करके और चीरा लगाने के बाद अभी इसे साइड में रख देंगे। और अभी मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है तो उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बॉईल कर लिया है 3-4 मिनट के लिए। प्याज इस तरह से हाफ डन हो गए हैं तो यहाँ पे ये बॉईल प्याज को ऐड कर देना है। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कली लहसुन का और 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे। ये वही पानी मैं ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को बॉईल किया था। और ढक्कन लगा के इसका बारीक सा पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है, ये देखिए बिल्कुल बारीक सा पेस्ट रेडी हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है और उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बिल्कुल फ्रेश गाढ़ी दही। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, 2 तेज पत्ते, 1/2 चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। और उसके बाद ऐड कर देंगे जो हमने ये प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है सारे पेस्ट को यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद सारे मसालों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मसालों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद जो आलू हमने कट करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सारे आलू को मसाले से कोट करने के बाद इस पे ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के लिए आलूओं को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए तब तक बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो अभी मैंने इस रेसिपी के लिए ये 12 से 15 बादाम और 8 से 10 काजू को भिंगा के रखा है। तो सबसे पहले बादाम का छिलका निकाल लेंगे। मैंने बादाम को गर्म पानी में भिंगा के रखा है तो छिलके जो है वो काफी आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। तो सारे बादाम का छिलका निकाल लेंगे। सारे बादाम को मैंने यहाँ पे छिलके रेडी कर लिया है और काजू को यहाँ पे पानी से अलग कर दिया है। तो अभी इसमें से 4-5 बादाम निकाल के अलग रख लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ऐड करना है। और अभी इस काजू और बादाम का पेस्ट बना लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम मिक्सी का जार ले लिया है जिसमें हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। तो मिक्सी के जार में जो हमने काजू और बादाम को सोक करके रखा है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी ऐड करिए या थोड़ा सा दूध ऐड करिए, दोनों में से कोई भी चीज ऐड करके एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब दूध ऐड कर रही हूँ। ढक्कन लगा के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। और ये देखिए काजू और बादाम का बिल्कुल बारीक सा पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। इस पेस्ट को रेडी करते समय मैंने 2 चम्मच दूध इसमें और ऐड किया था, टोटल यहाँ पे 4 चम्मच दूध मैंने ऐड किया है। तो अभी इस पेस्ट को साइड में रखेंगे, चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो इस रेसिपी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म किया है और उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। और जैसे ही घी मेल्ट होगा उसमें ऐड कर देंगे 1 बोल मखाने। शाही रेसिपी बन रही है तो उसमें शाही चीजें पड़नी भी चाहिए। और यहाँ पे मखाने को रोस्ट कर लेना है, हल्का सा क्रिस्प होने तक इसको रोस्ट कर लेंगे। खानों को थोड़ा रोस्ट करने से उनका टेस्ट जो है काफी बढ़ जाता है। मखाने यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं तभी इन्हें प्लेट पे निकाल लेंगे। मखानों को निकालने के बाद 1/4 चम्मच घी इसमें और ऐड करेंगे। तभी इसमें ऐड कर देंगे भींगे हुए बादाम जिनको कि हमने अलग निकाल के रखा था और उनको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है। बादाम को हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 काजू। बादाम यहाँ पे भींगे हुए थे इसलिए मैंने उसको पहले ऐड किया था। और ये देखिए काजू पे इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसमें 15 से 20 किशमिश ऐड कर देंगे और किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए किशमिश भी हल्के से रोस्ट हो गए हैं और सारे किशमिश इस तरह से फूलने शुरू हो गए हैं। तो अभी इन ड्राई फ्रूट्स को भी मखाने वाले प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे फ्राई होके रेडी हो गए हैं। सेम कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल और इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अच्छे से गर्म होने के बाद सरसों के तेल का जो धाक रहता है वो खत्म हो जाता है। तो अब गैस को अभी ऑफ कर देंगे और अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। घी और तेल दोनों ऐड करने से रेसिपी काफी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने देंगे। तेल का टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच शाही जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अभी गैस को फिर से ऑन कर देंगे और जैसे ही शाही जीरा हल्के से रोस्ट होने शुरू हो जाएंगे इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। 2 इलायची को मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है वो ऐड कर देंगे। और इसी के साथ जो हमने आलू को मैरिनेट करके रखा है वो ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही जो सारा मैरिनेशन है वो सारा मैरिनेशन भी आलू के साथ ही ऐड कर देंगे। और अभी फुल फ्लेम पे आलू को 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आलू को इस तरह से फुल फ्लेम पे भूनने के बाद अभी इसमें ढक्कन लगा देना है और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और उसके बाद इन आलुओं को बीच बीच में चलाते हुए
तब तक कुक करना है जब तक कि सारे मसाले का मॉइस्चर जो है वो खत्म नहीं हो जाता और आलू उस मॉइस्चर में थोड़े से कुक नहीं हो जाते। 5 से 6 मिनट हो गया है, आइए आलूओं को चेक करते हैं। और ये देखिए ऑलमोस्ट सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और यहाँ पे इस स्टेज तक आलू जो है वो 70% तक कुक भी हो जाते हैं। तभी गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे मसाले का सारा पानी जो है वो सुखा लेना है। और ये देखिए भूनते भूनते सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है, तो इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, बिल्कुल 1 चुटकी ऐड करना है। और 1 से 2 मिनट के लिए लाल मिर्च को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम का पेस्ट जिसको कि हमने ग्राइंड करके रखा है। सारे पेस्ट को यहाँ पे ऐड कर देना है और साथ में जार को धोके थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे जिसे जो भी काजू बादाम का पेस्ट जार में लगा है वो सारा निकल जाएगा। और एक बार फिर से भून लेना है जब तक कि सारी चीजें अच्छे से भुन नहीं जाती और ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट हो गया है, चलिए चेक करते हैं। ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, मैंने बीच बीच में इसको चलाते हुए भून लिया है। सारा मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, आप बीच बीच में चलाते रहिएगा नहीं तो मसाला नीचे जल जाएगा। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध। ये जो मेजरिंग कप मैं यूज कर रही हूँ ये 1/2 कप है, इसलिए मैं इसे 2 बार ऐड करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 दूध और 1/2 पानी भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ आप पानी में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये शाही आलू कोरमा है तो ये रेसिपी दूध में ही बेस्ट बनती है। तो एक बार यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी इसमें एक बॉयल आने देंगे। और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा है। इस स्टेज पे आप नमक को चेक करके और बैलेंस कर सकते हैं। और ये देखिए ग्रेवी यहाँ पे थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और हमने जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है वो भी थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब करेंगे दूध को, तो थोड़ा सा दूध मैं यहाँ पे और ऐड करूंगी। तो 1/4 कप के करीब मैं दूध यहाँ पे और ऐड कर दे रही हूँ। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच चीनी, ये सारे स्वाद को बैलेंस करेगा। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 5-6 धागे केसर के। सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आइए यहाँ पे आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू 80% तक कुक हो चुके हैं, 20% की कसर बाकी है। तो अभी ढक्कन लगा देंगे और जब तक आलू यहाँ पे टोटली कुक नहीं हो जाते तब तक इसे कुक कर लेना है। और इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट और लग जाएगा। 7 से 8 मिनट हो गया है, आइए आलू को चेक करते हैं, क्योंकि मैंने 3 से 4 मिनट के बाद आलू को चेक किया था तो आलू परफेक्टली कुक नहीं हुए थे। तो अभी 7 से 8 मिनट हो गया है, तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच कसूरी मेथी और इसी के साथ ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती और अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। आइए अभी आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू यहाँ पे बिल्कुल अब अच्छे से कुक हो गए, अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। तो बस अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पे और ढक्कन लगा देंगे जिससे कसूरी मेथी और जो धनिया पत्ती हमने ऐड किया उसका भी फ्लेवर ग्रेवी के अंदर आ जाए। 1 मिनट हो गया है और ये देखिए यहाँ पे हमारा शानदार शाही आलू कोरमा रेडी हो गया है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। शाही आलू कोरमा एंजॉय करने के लिए रेडी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट बटर नान के साथ, कुलचा के साथ, रुमाली रोटी के साथ, पुलाव के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसी के साथ भी ये काफी अमेजिंग लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।